खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले ही नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला कांग्रेस कमेटी ने सादगी से मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। टावर चौक में राहगीरों के बीच किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। बेंगाबाद पुलिस ने विभिन्न कांडों के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक नक्सली भी शामिल। क्रीड़ा भारती ने किया ऑनलाइन योग प्रतियोगिता का आयोजन। जिले भर से 90 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। और लगातार बारिश के बाद वाटरफॉल का बदला रूप, जलमग्न होने से मनोरम हुआ दृश्य। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर राहगीरों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने टावर चौक में राहगीरों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एक विचारधारा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि राहुल गांधी एक दूरदर्शी सोच है। कार्यक्रम में अजय सिन्हा, नवीन आनंद, महमूद अली खान, धनंजय सिंह, मदन विश्वकर्मा, आलमगीर आलम आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जननायक माननीय श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर उनके जन्मदिन को सादगी से मनाते हुए कोरोना काल को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोगों ने टावर चौक पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है और इस तरह के कार्यक्रम लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से टावर चौक के पास सैनिटाइजर और मास्क गरीबों के बीच वितरण किए और कोरोना काल को देखते हुए लोगों को ये हिदायत भी दिए कि वो सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें ताकि जब तक हमारे देश की जनता सुरक्षित रहेगी तो हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा। और राहुल जी ने ये संदेश पूरे भारतवर्ष में देने का काम किया है। क्रीड़ा भारती द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय ऑनलाइन योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर से 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्रीड़ा भारती गृहिणी द्वारा जिला स्तरीय ऑनलाइन योग प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 90 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता 4 वर्गों में संपन्न कराई गई। सभी वर्गों में निर्णायक मंडली द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय का चयन किया गया। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 20 जून को होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता की सफलता में संतोष खत्री, राजवंश सिंह, अमित स्वर्णकार, अनिता ओझा, मनोवर आलम आदि ने सराहनीय योगदान किया। क्रीड़ा भारती जिला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक जिला स्तरीय ऑनलाइन योग प्रतियोगिता कराई गई थी जिसमें जिले भर से लगभग 92 खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को 4 वर्गों में बांटा गया था एवं अलग अलग आसन दिए गए थे और जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर सभी प्रतिभागियों को अपना वीडियो बनाकर भेजना था। इसमें जिले भर से 90 खिलाड़ियों ने अपना वीडियो बनाकर भेजा और इस निर्णायक मंडली में शामिल दयानंद जसवाल जी, रूबी प्रकाश सिंह जी, रोहित जी, आकाश जी ने सभी वीडियो को बारीकियों से देखकर उनमें से सभी ग्रुप के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के प्रतिभागियों का चयन किया है। इसमें जितने भी प्रतिभागी भाग लिए हैं जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उनको तो प्रमाण पत्र मिलेगा ही और सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र क्रीड़ा भारती गृह द्वारा दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता बिल्कुल ही निःशुल्क थी और इस प्रतियोगिता का एक और प्रतिभागियों का एक अवसर मिला कि जो भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लिए बालक और बालिका वर्ग में उन सभी प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो भी कल होगी ऑनलाइन होगी वो भी गूगल मीट के माध्यम से उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। 4 दिनों की लगातार बारिश से गादी श्रीरामपुर पंचायत में 6 लोगों का मकान ढह गया। पीड़ित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शीघ्र सहायता की मांग की है।
विगत चार दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से गादी श्री रामपुर पंचायत में 6 लोगों का मकान ढह गया। इसके तहत यहां कारू साव, उमा देवी, द्वारिका साव, शंकर साव, श्रीदेवी और गेंदिया देवी का कच्चा मकान बारिश की बौछारों को झेल नहीं सका और गिर गया। सभी पीड़ितों का कहना है कि उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इन लोगों ने जिला प्रशासन से अतिशीघ्र मुआवजा एवं आवास दिलाने की मांग की है। बरसात में 4 दिन के बरसात में हमारा घर गिर गया। हाँ जी, ये नहीं घर गिर गया है, कहाँ रहने का जगह नहीं है, रहने को कोई मकान नहीं मिल रहा है, घर में रहेंगे। इसे पानी पड़ा 4 दिन एकदम पूरा परसा हुआ और लोग घर गिर गया, रहने का जगह नहीं हम लोग। लगातार बारिश से महिषमुंडा रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे ओवरब्रिज पानी से लबालब भर गया है। इससे गिरडी जामतारा रोड में आवागमन करने वालों को भारी परेशानियां हो रही है। भारी बारिश के कारण महिषमुंडा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे ओवरब्रिज पानी से लबालब भर गया है। मालूम रहे कि गिरडी जामतारा रूट की यह मुख्य सड़क है। पुल में पानी भर जाने से यहाँ आवागमन बाधित हो गया है। इससे पूर्व स्थानीय लोगों ने इस समस्या के निराकरण को लेकर यहां सड़क जाम किया था और DKM से बात भी हुई थी, लेकिन अब तक समस्या का निदान नहीं हो सका। का निकासी का कोई संभव नहीं है और यही हाल बीते वर्ष भी हुआ था, जिसमें हम लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे। माननीय विधायक डॉक्टर सरताज अहमद भी धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। उसके बावजूद भी रेलवे का नींद अभी तक नहीं खुला। थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद अभी तक जो है जो काम होना चाहिए वो पूर्ण काम नहीं हो पाया, जिस कारण से आज पहली बारिश में आज जो हालात है यहाँ के और राहगीरों का वो देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 13 स्थित शीतलपुर में राशन डीलर कार्डधारियों को उचित मात्रा में राशन नहीं दे रहे हैं। इस बाबत कार्डधारियों ने प्रशासन से डीलरों को बदलने की मांग की है। वार्ड नंबर 13 स्थित शीतलपुर में राशन डीलर द्वारा कार्डधारियों को उचित मात्रा में राशन नहीं दिया जा रहा है। कार्डधारियों का कहना है कि उन्हें 2 माह में 1 ही माह का राशन दिया जाता है, साथ ही वजन भी कम रहता है, चीनी और केरोसिन तो देता ही नहीं है। इस बाबत कार्डधारियों ने जंगलपुर के डीलर को बदलने की मांग की है। तेल भी कभी नहीं देता है और चीनी भी नहीं। चावल 2 महीना का चावल आया, 1 महीना का चावल दिया और 1 महीना का चावल जब बोला कि नहीं है 1 महीना का चावल आपका, और पैसा भी ले लिया 35 रुपया जो कि फ्री में राशन आया है, पैसा ले रहा। और खुद्दी वाला पूरा चावल एकदम टूटा टूटा दिया है, और वहाँ पर भी बोलता है तो बोलता जाओ क्या करेगा सो तुम लोग कर लेना, यही चावल आया है यही चावल लेने पड़ेगा। चीनी भी ना दे वजन कम दे भी 35 किलो गहूँ मिलते दल का दिक्कत है 28 किलो दिक्कत है कि जंगलपुर में हम लोग राशन देते हैं तो बहुत दूर पड़ता है, जाते हैं तो बहुत बोलता है कि चावल लेना है, लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। यहाँ से हम लोग शीतलपुर से 13 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं। जब हम लोग का डीलर है सामू चोड़े, जब वहाँ राशन निकालने के जाते हैं तो कभी टाइम पर राशन नहीं मिलता है। 2 रोज 3 रोज के बाद घुमाने के बाद में 1 दिन मशीन उसको काम करता है, उस दिन मिल जाता है, ना तो नहीं मिलता है। चीनी नहीं मिलता है, अभी 6 महीना से अभी हम लोग को कुछ नहीं मिला है, ना राशन तेल मिला है ना चीनी मिला है। और जब भी जाते हैं तो पीले रहता है, वो सीधा बोलता है मारपीट पर उतर जाता है, कहता है जहाँ दौड़ना तो वहाँ दौड़ो, ब्लॉक जाना तो ब्लॉक जाओ। डीलर हमको नहीं चाहिए, समझ गए, ये डीलर के बहुत ज़्यादा मैंने घमंडी हो गया है। न हम लोग के टाइम पर कभी चीनी देता है, न कभी तेल देता है, न और कुछ देता है, समझे न। और जब बोलते हैं तो कहता है कि जो जहाँ जाना हो तो चल जाओ, इसलिए ये डीलर हम लोग के नहीं चाहिए, हम लोग के दूसरा डीलर चाहिए बस। इधर डीलर सामू चौड़े ने कहा कि उन्हें जो भी राशन मिलता है वह कार्डधारियों में बांट देते हैं। कार्डधारी उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। डालमिया पेट्रोल पंप में मिलावट करने का एक मामला प्रकाश में आया है। बरगंडा रोड निवासी संजीव कुमार ने इसकी शिकायत की है। भंडारी डे स्थित डालमिया पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिलावट करने का एक मामला प्रकाश में आया है।
यह शिकायत बरगंडा रोड निवासी संजीव कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि गिरडी से बाहर जाने के लिए उन्होंने दो चार पहिए वाहनों में पेट्रोल भराया, लेकिन कुछ ही देर में ही दोनों वाहनों का इंजन बंद हो गया। जांच करने पर पता चला कि पेट्रोल के स्थान पर पानी भरा हुआ है। उन्होंने पेट्रोल पंप जाकर संचालक को इसकी शिकायत की। इस बाबत प्रबंधक ने कहा कि बारिश के कारण शायद ऐसा हुआ हो। उन्होंने क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया है। गाड़ी में भरा है, गाड़ी से निकाले तो बंद हो गया, तो देख रहे पानी है और पानी और पानी भरा हुआ, पेट्रोल गाड़ी में डाला ही नहीं, उसके टंकी में पानी है। कैसे गाड़ी से निकाला गया है? मिस्त्री जो है, मिस्त्री को बुलाए, मिस्त्री ने इंजन को खोल के देखा है और उससे तेल निकाला है, तो देखता है कि तेल ऐसा निकल रहा है, टंकी में 90% पानी है। हाँ भाई, क्या नाम हुआ आपका? गिरडी का मशहूर पर्यटन स्थल वाटरफॉल इन दिनों काफी मनोरम नजर आ रहा है। लगातार बारिश की वजह से वाटरफॉल पूरा जलमग्न हो गया है। गिरडी का मशहूर पर्यटन स्थल वाटरफॉल इन दिनों एक नए रूप में नजर आ रहा है। लगातार बारिश होने से यह अपने उफान पर है, इसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। वाटरफॉल के इस भव्य रूप को देखने के लिए कई लोग वहां पहुंच भी रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी को खदेड़ कर वहां से हटा रही है। इसके बावजूद वाटरफॉल का ये मनोरम दृश्य लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के प्राकृतिक और सौंदर्य स्थल वाटरफॉल या उसरी झरना लोगों को मनमोहक बना देती है, और आज हम यही पर्यटन स्थल उसरी फॉल गिरिडीह में खड़े हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ का सौंदर्य क्या है। लगातार दो दिन हो रहे बारिश के कारण पूरे फॉल जलमग्न हो गए हैं और इस जलमग्न का दृश्य देखने लायक है। लगातार बारिश होने से बिरनी प्रखंड की झांझ गांव में सड़क पर जल जमाव हो गया है। इससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिरनी प्रखंड के झांझ गांव में लगातार बारिश से सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार मुखिया से शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का निदान नहीं हो सका है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर है, वो लोग रास्ता का दंश झेल रहे हैं। यहाँ तो ऐसा दुर्लभ हो गया है, क्या इंसान तो क्या जानवर को भी चलना मुश्किल हो गया है। हर जन प्रतिनिधि से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं के कान में जू तक नहीं रह रहा है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हमारे गांव का गली में सुधार होना चाहिए, बनना चाहिए, और आवागमन में जो बाधा हो रहा है वो सुविधा हमारे गांव के लोगों को होना चाहिए। धान में पूरा गली जो है एकदम बिल्कुल ख़राब हो गई है, सारे जो है डॉक्टर लोग कोई आना नहीं चाह रहा। अभी मौसम में बहुत तबीयत खराब हो रहा है लोगों का, सारे डॉक्टर लोग मना कर दे रहे, रास्ता ही नहीं किधर से जाएं। बहुत सारे लोग खेत तरफ से इधर से उधर से सब जाना आना कर रहे हैं। हम लोग का रास्ता इतना ख़राब हो चुका है जो कोई गाड़ी पार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत जगह शिकवा शिकायत भी किए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और कोई डॉक्टर भी हमारे गाँव आना नहीं चाह रहा। इतना स्थिति ख़राब है कि गाड़ी पार होना, पैदल पार होना मतलब मुश्किल हो गया है। पूरा पानी भर गया है, कच्ची रास्ता है। राजस गाँव झांझ, हम राजस गाँव झांझ से बोल रहे हैं। इतना ख़राब हो गया है जो कि कोई महिला ना आ पा रही है, ना कोई जानवर जा पा रहा है, ना कोई आदमी चल पा रहा है। पैदल जाना तो मुश्किल, गाड़ी तो जा नहीं पा रहा है। भेंगाबाद पुलिस ने 3 अलग अलग कांडों के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बाबत थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने बताया कि
कैलाश हत्याकांड के अभियुक्त दिनेश रवानी और नक्सली गतिविधियों से संपर्क रखने वाले श्यामलाल टुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वन विभाग की टीम ने तिसरी प्रखंड के खिरोद गांव में वन भूमि पर बने मकान को ध्वस्त कर दिया, साथ ही मकान बनाने वालों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तिसरी प्रखंड के खिरोद गांव में वन विभाग की टीम ने वन भूमि पर बने मकान को ध्वस्त कर दिया है। वनपाल जयप्रकाश राम महतो के नेतृत्व में टीम ने वन भूमि पर अवैध रूप से बना रहे पक्का मकान को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में कुदूस मियां, अली मियां व मुस्लिम मियां पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। खिरोद जंगल के अंदर वन भूमि में अवैध मकान निर्माण कर रहे, उस सूचना के आधार पर हम लोग रेंज साहब के द्वारा एक टीम गठित किया गया, जो टीम गठित करके अवैध मकान बनाने में ध्वस्त किया गया और उस पर कानूनी कार्रवाई किया गया है। बाकी वन भूमि का अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सूचना प्राप्त हुई कि खिरोद सुरक्षित वन में कुछ ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण करने के उद्देश्य से मकान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी श्री अनिल कुमार को दी गई। तत्पश्चात उनके निर्देशानुसार वनरक्षियों एवं वनपाल का एक टीम गठित करके तुरंत जो है उक्त स्थल पर जाकर निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त करके वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया एवं इस वन अपराध में संलिप्त सभी अभियुक्तों पर कार्रवाई होने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला कांग्रेस कमेटी ने सादगी से मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। टावर चौक में राहगीरों के बीच किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। बेंगाबाद पुलिस ने विभिन्न कांडों के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक नक्सली भी शामिल। क्रीड़ा भारती ने किया ऑनलाइन योग प्रतियोगिता का आयोजन। जिले भर से 90 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। और लगातार बारिश के बाद वाटरफॉल का बदला रूप, जलमग्न होने से मनोरम हुआ दृश्य। आज का यह अंक आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।